कहीं कहीं बोले ना वो हेलमेट हम लगेला नहीं तो कहीं हो या हमारे वो आगे पीछे को नहीं दिखे, तो आपको दिखेगा कि आपके पास में यहाँ है क्या। ये वाला ये विजन जोन हो जाएगा और आप ऐसा कर दोगे तो ये ब्लाइंड जोन हो गया। अभी यहाँ पर अगर कुछ गड्ढा भी होगा तो आप उस पर चढ़ा दोगे और आप घबराओगे, अगर गाड़ी भी चल रही होगी तो आप घबराओगे। सेकंड बात, आपको इस तरह से रखना है हेलमेट को और ये अच्छे से लगाना प्रॉपर। हेलमेट लगाने के बाद भी दुर्घटनाएं हो सकती है किसी परिस्थिति में यदि आपने साइड ग्लास नहीं लगाया हो। कहीं कहीं बोले ना वो हेलमेट हम लगेला नहीं तो कहीं हो या हमारे वो आगे पीछे को नहीं दिखे। अब आगे पीछे का देखने के लिए सब पढ़े लिखे भी बोलते हैं साइड ग्लास होते हैं, ठीक है, साइड ग्लास भी होते हैं और साइड ग्लास भी हमें देखना नहीं आता है। किसी का कान ऐसा, किसी का कान ऐसा, कभी कभी तो है ना खुद का चेहरा नहीं, वो सौंदर्य दर्शन के लिए वो दूसरे का चेहरे की तरफ उन्हें उसने लगा दिया। तो आपको जो है साइड ग्लास भी अच्छे से लगाना चाहिए और इस तरह से आपने अब चला रहे हैं तो ये क्या होगा, ये विजन जोन हो चुका है। और ध्यान रखो हेलमेट खरीदते समय आर्क का, पता चले वो हेलमेट और सस्ता ले लिया और बस आपको इतना ही दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है आपको और ये यहाँ से किसी वजह से पैक है, तो ये देखो कि आप लेफ्ट और राइट दिख रहे हो तो कितना दिख रहा है। तो जब आप फिर चलाओगे ना गाड़ी तो आपको साइड ग्लास से लेफ्ट का आप आराम से देख पाओगे, साइड ग्लास से राइट का भी आप देखोगे और ये आंखें जब आप घूमेंगी आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं। आप इतना भी करोगे ना तो आपको ये एरिया और ये एरिया तो दिख ही रहा है। तो अब हेलमेट आप बताओ इसी परिस्थिति में क्या आपको नुकसान पहुँचाएगा। यदि आपने प्रॉपर साइज का हेलमेट पहना हो, प्रॉपर तरीके से हेलमेट पहना हो तो इस परिस्थिति में हेलमेट आपका सुरक्षा कवच, और नहीं तो मैंने बताया बोझ कप्तान।